नवोदया विद्यालय समिति नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट 2024। तो फ्रेंड्स आपका नवोदया विद्यालय समिति का एनवीएस का नॉन टीचिंग पोस्ट का रिक्रूटमेंट आया है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो है कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे फिलअप करना, स्टेप बाय स्टेप पूरा गाइड पूरा प्रोसीजर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि करक मेथड में आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे फिलअप करना है, तभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा, नहीं तो अदरवाइज आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करने के लिए आपको नवोदया का जो एनवीएस का जो ऑफिशियल वेबसाइट है navodaya.gov.in के पोर्टल पर आपको आना पड़ेगा। तो आप लोग इस पोर्टल पे कैसे आओगे, तो इस पोर्टल पे आने के लिए आपको जस्ट एनवीएस सर्च कर लेना है। एनवीएस सर्च करने से नवोदया विद्यालय समिति का सेक्शन आपको मिलेगा, यहां पे आपको क्लिक करना है। यहां पे क्लिक करने के बाद आपको जो नेक्स्ट इंटरफेस है, आपका नेक्स्ट इंटरफेस कुछ ऐसा खुलेगा। यहां पे आपको एक सेक्शन मिलेगा, क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट इन नवोदया विद्यालय समिति अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव। तो आपको यहां पे क्लिक करना है, जो आपका ये इंटरफेस खुलेगा। तो यहां पे क्लिक करने के बाद आपका जो नेक्स्ट इंटरफेस है, आपका नेक्स्ट इंटरफेस कुछ ऐसा खुल जाएगा, जो आपका स्टेप्स टू ऑनलाइन अप्लाई का है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, इसके बाद आपको पे एग्जामिनेशन फी कंप्लीट करना पड़ेगा। वो तीन स्टेप में कंप्लीट करना पड़ेगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, इसके बाद एग्जामिनेशन फी आपको पे करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे राइट साइड में है ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट कैन लॉग इन हियर। तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, विदाउट रजिस्ट्रेशन आप लोग लॉग इन नहीं कर सकते हो। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पे एक जो सेक्शन है न्यू कैंडिडेट रजिस्टर्ड है, यहाँ पे क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स लास्ट वीडियो में मैंने हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन का एक वीडियो बनाया था, उस पर आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना स्टेप बाय स्टेप पूरा गाइड पूरा प्रोसेसर उस वीडियो में मैंने आपको बताया रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के रिलेटेड। क्योंकि वो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाने की वजह से मैंने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के रिलेटेड टॉपिक पे वो वीडियो क्लोज कर दिया था। और ये आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद लॉग इन करके आपको एप्लीकेशन कैसे फिलअप करना है उसके रिलेटेड वीडियो है। तो फ्रेंड्स आपको जो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और रजिस्ट्रेशन रिलेटेड वीडियो आप लोग चेक कर लीजिएगा, आप लोग ये वीडियो को चेक कर लीजिएगा, इसमें रजिस्ट्रेशन रिलेटेड पूरा प्रोसीजर पूरा गाइड आपके लिए बताया गया है। तो फ्रेंड्स आपको इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो इन्फॉर्मेशन कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस करके रखना, जब भी इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो इन्फॉर्मेशन कंटेंट आपके लिए इन फ्यूचर आएगा तो आपको इंस्टेंटली मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग रजिस्ट्रेशन वीडियो चेक कर लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन वीडियो का पूरा प्रोसेस आपको पता चल जाएगा कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको इस इंटरफेस से वापस आना पड़ेगा, नवोदय विद्यालय समिति रिक्रूटमेंट 2024 नॉन टीचिंग का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको फिलअप करना पड़ेगा। इस इंटरफेस का जो लिंक है ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन का लिंक क्लिक करके डायरेक्ट आप लोग इस इंटरफेस पे आ पाओगे। तो यहां आने के बाद आपको लॉग इन करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा वो वीडियो देख के। इसका लॉग इन करने के लिए आपको यहां पे लॉग इन बाय द एप्लीकेशन नंबर ही मिलेगा, जो आपका एप्लीकेशन नंबर आपके ईमेल आईडी पे चला गया होगा। तो एप्लीकेशन नंबर ईमेल आईडी पे जाने के बाद आपको जो ईमेल आईडी चेक कर लेना है, वहां से आपको एप्लीकेशन नंबर ऑब्टेन कर लेना है। एप्लीकेशन नंबर आपको यहां पे एंटर करना पड़ेगा। इसका जो पासवर्ड है, पासवर्ड आप लोगों को खुद से क्रिएट करने के लिए बोला गया है रजिस्ट्रेशन में। तो आप जो पासवर्ड क्रिएट करोगे वो पासवर्ड आपको यहां पे एंटर करना है। इसके बाद आपको यहां पे जो सिक्योरिटी कैप्चा है सिक्योरिटी पिन एंटर करना है। इसके बाद सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करके आपको लॉग इन कर लेना है। तो लॉग इन करने के बाद आपका जो नेक्स्ट इंटरफेस है, आपका नेक्स्ट इंटरफेस कुछ ऐसा खुल जाएगा, जो आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। यहाँ पे आपका दिया गया रजिस्ट्रेशन का सेक्शन कंप्लीट हो गया, अभी आपको एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना पड़ेगा, इनकम्प्लीट का सेक्शन दे रहा है। तो एप्लीकेशन फॉर्म के सेक्शन पे आपको क्या क्या फिलअप करना पड़ेगा, तो अप्लाई फॉर द पोस्ट का डिटेल आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, पर्सनल डिटेल्स, कम्युनिकेशन डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस डिटेल, एग्जामिनेशन सेंटर, डॉक्यूमेंट डिटेल, मोबाइल वेरीफाई करना पड़ेगा, इसका रिव्यू का सेक्शन मिलेगा, रिव्यू करके इसके बाद जो आपका पेमेंट का पेज है पेमेंट कंप्लीट करके आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले आपको पोस्ट का सिलेक्शन करना पड़ेगा। पोस्ट सिलेक्शन करने के लिए आपको यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म का जो सेक्शन है पे क्लिक करके आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन डिटेल कंप्लीट होगा, अभी एप्लीकेशन फॉर्म का सेक्शन है, इसके बाद पेमेंट का सेक्शन आपको मिलेगा। तो फर्स्ट है आपका जो अप्लाई पोस्ट नॉन टीचिंग का। तो यहाँ पे आपको नॉन टीचिंग में आप लोग कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो सारा पोस्ट का नाम आपको यहाँ पे मिलेगा, जो जो पोस्ट का रिक्वायरमेंट आया वो सारा पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जो सा पोस्ट अप्लाई करना आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आप लोग कौन से पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हो, तो अगर आप लोग असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर कर रहे हो तो यहाँ पे क्लिक करना, इसके बाद जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका यहाँ पे आ जाएगा तो इसको भी आपको टिक मार्क करना पड़ेगा। तो दोनों को टिक मार्क करना पड़ेगा। तो जो सा पोस्ट को आप लोग अप्लाई करो वो पोस्ट को आपको सिलेक्ट कर लेना, इसके बाद जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सेक्शन मिलेगा उसको भी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सिलेक्ट करके आपको आगे प्रोसीड कर लेना है। तो मैं यहाँ पे आपका जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट जेएनबी कैडेट का जो है यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट आएगा जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सेक्शन है। तो बाकी सब में भी सेम ऐसी एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सेक्शन आएगा, प्रोसीजर सब सेम है, बाकी जो नेक्स्ट प्रोसीजर है आपका सेम रहेगा। जस्ट यहाँ पे जो आपका अप्लाई पोस्ट का सेक्शन है कौन सा पोस्ट के लिए अप्लाई करो उसका एजुकेशन का ऑप्शन आपका क्या है वो सिलेक्ट करके आपको आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको इसी तरह सब सिलेक्ट करना पड़ेगा, इसी तरह आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो जौन सा भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जौन सा पोस्ट आपको सिलेक्ट करना है सिलेक्ट कर लेना है। इसका नेक्स्ट आपको यहाँ पे मिलेगा, जौन सा पोस्ट के अगेंस्ट में आपका यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिल जाएगा उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपका जो पोस्ट के अगेंस्ट में जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे में आई ग्रीक का जो ऑप्शन है यहाँ पे टिक मार्क करके सेवन नेक्स्ट ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है।
सेवन नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपका जो नेक्स्ट इंटरफेस है आपका डाटा सेव सक्सेसफुली आएगा, ओके क्लिक करना है। आपका जो अप्लाई फॉर द पोस्ट है वो आपका कंप्लीट हो गया। अभी आपका पर्सनल डिटेल का जो सेक्शन है यहाँ पे फिल करना पड़ेगा पर्सनल डिटेल। तो पर्सनल डिटेल आपका सब रहेगा, आपको जस्ट एक बार चेक कर लेना है जो आपने फिलअप किया था पहले, तो वो सारा डिटेल आपको देखने को मिलेगा। कुछ कुछ डिटेल आपका नहीं रहेगा, वो सारा डिटेल आपको चेक कर लेना है, फिलअप कर लेना है, ठीक है। इसके बाद फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे में सेवन नेक्स्ट का जो ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे क्लिक करके आपको आगे प्रोसीड करना है। सेवन नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करने के बाद आपका जो नेक्स्ट इंटरफेस है डाटा सेव सक्सेसफुली आएगा, ओके क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट मिलेगा आपका कम्युनिकेशन एड्रेस। तो आपका कम्युनिकेशन एड्रेस क्या है वो आपको फिलअप करना पड़ेगा। यहाँ पे सारा ऑप्शन दिया गया, आपको चेक कर लेना है जो जो डिटेल आपको फिलअप करना है। इसका नीचे आने के बाद आपको अगर कम्युनिकेशन और प्रेजेंट एड्रेस, जो आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस सेम है, परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस, तो आपको यहाँ पे टिक मार्क करना है। टिक मार्क करने से ऑटो फिल हो जाएगा। इसके बाद सेवन नेक्स्ट का जो यहाँ पे सेक्शन है यहाँ पे आपको क्लिक करके आगे प्रोसीड करना है। इसके बाद सेवन नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपका जो नेक्स्ट इंटरफेस है ऐसा आएगा, डाटा सेव सक्सेसफुली, ओके क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन मिलेगा वो क्वालिफिकेशन डिटेल्स, जो आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिलअप करना पड़ेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो आपको यहाँ पे जो एग्जाम पास, डिप्लोमा पास जो भी है, टेंथ ट्वेल्थ का आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। टेंथ इसके बाद ट्वेल्थ आपको मेंशन कर लेना यहाँ पे दिया गया है। इसका तो जो पासिंग मंथ है, कौन से मंथ पे पास हुए, इसके पासिंग ईयर कौन सा है वो सिलेक्ट करना है। यूनिवर्सिटी बोर्ड इंस्टीट्यूट कौन सा था वो देना है। रोल नंबर क्या था वो देना है। परसेंटेज मार्क्स आपका कितना ऑब्टेन हुआ उसको फिल करना पड़ेगा जो क्लास टेंथ ट्वेल्थ का है। इसी तरह आपका पोस्ट के अगेंस्ट में जो जो क्वालिफिकेशन है वो आपको फिलअप करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे ऐड का सेक्शन है, आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हो एडिशनल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास कुछ है तो आप लोग ऐड कर सकते हो। इसी तरह सारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोग को ऐड कर लेना है, फिलअप कर लेना है अगर आप लोग जो जो देना चाहते हो। इसके बाद आपको यहाँ पे आई एग्री के सेक्शन पे टिक मार्क करना है। टिक मार्क करके सेवन नेक्स्ट का जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। डिटेल फिल करने के बाद सेवन नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपका जो नेक्स्ट इंटरफेस है, नेक्स्ट इंटरफेस डाटा सेव सक्सेसफुली आएगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा एक्सपीरियंस डिटेल का सेक्शन। एक्सपीरियंस डिटेल का सेक्शन आपको फिलअप करना पड़ेगा। तो एक्सपीरियंस डिटेल के सेक्शन में आपको डू यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस है क्या, तो अगर आपका पोस्ट के अगेंस्ट में एजुकेशन क्वालिफिकेशन के सेक्शन में वर्क एक्सपीरियंस का डिटेल था तो आपको सेलेक्ट कर लेना है। जो से पोस्ट के लिए अगर आप लोग अप्लाई करो वर्क एक्सपीरियंस है तो सेलेक्ट करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो नहीं चाहिए वर्क एक्सपीरियंस का डाटा फिल करने के लिए। सेवन नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करने के बाद आपका जो नेक्स्ट इंटरफेस है डाटा सक्सेसफुली आएगा, ओके क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा आपको एग्जाम सेंटर डिटेल का ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए। एग्जाम सेंटर डिटेल लिस्ट में आपको एग्जाम स्टेट फर्स्ट चॉइस आपको कौन सा चाहिए, इसका सेकंड स्टेट आपको चॉइस करना है, थर्ड स्टेट चॉइस करना है। इसके बाद एग्जाम सिटी फर्स्ट चॉइस आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस सेलेक्ट करके सेवन नेक्स्ट ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। एग्जाम सेंटर डिटेल चूज करने के बाद सेवन नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करने के बाद आपका जो नेक्स्ट इंटरफेस है डाटा सेव सक्सेसफुली आएगा। आपके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा आपको डॉक्यूमेंट डिटेल अपलोड करने का सेक्शन, जो आपको डॉक्यूमेंट डिटेल अपलोड करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट का सेक्शन अपलोड डिटेल। तो यहाँ पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट आपको फोटो अपलोड करना पड़ेगा। फोटो का साइज दिया गया 10 से 200 KB जेपीजी फॉर्मेट में। इसके बाद सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा 4 से 30 KB। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो आपका कास्ट है, अगर आप लोग कास्ट से बिलोंग करते हो तो कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, अगर कास्ट से बिलोंग नहीं करते हो तो कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है। इसके बाद थंब इंप्रेशन आपको अपलोड करना पड़ेगा, जो आपका 10 से 200 केबी के बीच में होना चाहिए थंब इंप्रेशन। तो यहां पे मेंशन नहीं किया गया कि आपका लेफ्ट थंब या फिर राइट थंब होना चाहिए, कोई भी थंब आप लोग अपलोड कर सकते हो। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको 7 नेक्स्ट का सेक्शन मिलेगा, तो मैं डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेता हूं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्या आता है मैं आपको दिखा देता हूं। तो सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको यहां पे एक सेक्शन मिलेगा सबमिट का ऑप्शन। सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको यहां पे देखने को मिलेगा, तो आपको चेक कर लेना है आपका डॉक्यूमेंट्स करेक्ट है कि नहीं। इसका सबमिट का ऑप्शन जो मिल रहा है यहां पे क्लिक करना है। यहां पे क्लिक करने के बाद आपका जो है डॉक्यूमेंट अपलोड का सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, डाटा सेव सक्सेसफुली आएगा, ओके क्लिक करना है। इसके बाद आपका डाटा सेव सक्सेसफुली है। इसके बाद मोबाइल वेरीफाई आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, जो मोबाइल नंबर आप लोगों ने प्रोवाइड किया था तो मोबाइल नंबर आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो मोबाइल नंबर आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा जो आपने दिया था। इसके बाद एक कैप्चा एंटर करके आपको सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेंड ओटीपी क्लिक करने से आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी को एंटर करके वेरीफाई करना पड़ेगा। सेंड ओटीपी क्लिक करने के बाद आपका प्लीज चेक योर ओटीपी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो आपको मोबाइल नंबर पे ओटीपी गया, ओटीपी को एंटर करना पड़ेगा। यहाँ पे मोबाइल ओटीपी का सेक्शन है, ओटीपी एंटर करके एक कैप्चा एंटर करके आपको वेरीफाई ओटीपी का जो सेक्शन है यहाँ पे क्लिक करना है। अगर बाय चांस ओटीपी रिसीव नहीं होता है तो रिसेंट ओटीपी के सेक्शन पे आपको क्लिक करके वापस एक बार ओटीपी ले लेना है। वेरीफाई ओटीपी क्लिक करने के बाद आपका जो नेक्स्ट इंटरफेस है, आपका जो ओटीपी है वेरीफाई हो जाएगा, मोबाइल ओटीपी हैज बीन वेरीफाई, ओके क्लिक करना है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट सेक्शन है रिव्यू एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा। आपको सारा सेक्शन सारा डिटेल देखने को मिलेगा जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म में है, तो आपको एक बार चेक कर लेना है कि आपका सारा डिटेल करेक्ट है कि नहीं। सारा डिटेल चेक करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। नीचे पे आपको फाइनल सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, यहां पे क्लिक करना है। यहां पे क्लिक करने के बाद आपका ऑप्शन ऐसा आएगा, रिव्यू पेज, प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बिफोर फाइनल सबमिट। तो आप लोग फाइनल सबमिट के पढ़ने, तो आप लोग फाइनल सबमिट करने के पहले सारा डिटेल आपको एक बार चेक कर लेना है। अगर आप लोग सबमिट कर देते हो तो आप लोग एडिट नहीं कर पाओगे, तो आपको एक बार चेक कर लेना है। इसके बाद आपको फाइनल सबमिट का जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका जो नेक्स्ट इंटरफेस है, योर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है सबमिट हो गया, सक्सेसफुली सबमिट हो गया, तो आपको यहाँ पे ओके क्लिक करना है। इसका नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा आपको पेमेंट का, जो पेमेंट पेज है, तो आपको कितना पे करना है वो अमाउंट आपका आ जाएगा जो आपका एप्लीकेशन फी रहेगा। तो आपको पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको पेमेंट कंप्लीट कर देना है। तो जब आप लोग पेमेंट कंप्लीट कर दोगे तो आपको यहाँ पे सीरियल नंबर, ऑर्डर आईडी, ट्रांजेक्शन
एडमिशन, एग्जाम फी, पेड अमाउंट, पेमेंट गेटवे, पेमेंट सबमिट डेट, पेमेंट स्टेटस, सारा डिटेल आपको मिल जाएगा आपका पेमेंट कंप्लीट होने के बाद। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपका जो ड्राफ्ट एप्लीकेशन फॉर्म है आपको डाउनलोड कर लेना है फॉर योर फ्यूचर यूज। तो फ्रेंड्स सारा स्टेप मैंने दिखा दिया आपको, जस्ट आपका पेमेंट पेज रहेगा तो पेमेंट पेज आप लोग खुद से कंप्लीट कर लीजिएगा पे का ऑप्शन पे। यहाँ पे जो पे का ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करके आपको पेमेंट कंप्लीट कर लेना है। कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आपका हेल्प करूंगा आपका डाउट आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने में। और फ्रेंड्स अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके देना है तो वर भी आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आपका हेल्प करूंगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके देने में। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा, वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिला तो इसी तरह इन्फॉर्मेशन कंटेंट के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। जब इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो इन्फॉर्मेशन कंटेंट आपके लिए इन फ्यूचर पब्लिश होगा तो आपको इंस्टेंटली मिल जाएगा। और फ्रेंड्स आपका सिलेबस क्या रहने वाला है एग्जामिनेशन के लिए, तो वो सिलेबस रिलेटेड भी वीडियो हम लोग इस चैनल पर डिस्कस करेंगे इन अपकमिंग वीडियोस में, कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है पोस्ट के अगेंस्ट में, जो आपका पोस्ट आया उसका रिक्वायरमेंट आया है उसका सिलेबस क्या रहने वाला है आपका एग्जामिनेशन के लिए, तो सारा सिलेबस हम लोग डिस्कस करेंगे इस पोस्ट का इस सिलेबस। तो फ्रेंड्स फिर से मिलेंगे, जरूर मिलेंगे इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो इन्फॉर्मेशन कंटेंट के साथ। जय हिंद जय भारत।